हेलो एवरीवन, मैं दीपक कुमार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने शरीर के एक ऐसे हिस्से के बारे में जो कि जिसके बारे में जानना समझना बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ है हम लोगों का मन, हम लोगों का दिमाग, माइंड। मैं आपको बता दूँ, आज जो भी चीज़ हम बताएंगे ना, आप लोग से बात कर रहे हैं, वो चीज़ माइंड के बारे में मुझे जितना पता है, जितना नॉलेज है, वही चीज़ हम आप लोग के बीच आज, मतलब यहाँ पे कुछ हम अपना एक्सपीरियंस को बताएंगे, जो मुझे नॉलेज है वही हम प्रकट करेंगे। तो यहाँ तक कि हम आपको बताएं कि हम लोग का जो माइंड होता है ना, मनुष्य का जो दिमाग होता है, वह एक मिट्टी की तरह होता है। कैसे? हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक किसान का एग्जांपल लेते हैं। किसान क्या करता है, किसी भी चीज़ का बीज बोता है, फसल, कोई भी फसल का बीज बोता है। पर मिट्टी का क्या काम होता है कि मिट्टी उस बीज को बड़ा कर देता है। बस मिट्टी का इतना ही काम होता है। मिट्टी क्या करेगा, उस बीज को बड़ा कर देगा। किसान चाहे कद्दू का बीज बोए, मिट्टी का काम है उसको बड़ा कर देगा। किसान धान का बीज बोए, उसको बड़ा कर देगा मिट्टी। और या तो गेहूं का बीज बोए, मिट्टी का काम है उसको बड़ा कर देना, वो निश्चित रूप से उसको बड़ा कर देगा। यानी कि किसान जिस चीज़ का बीज बोएगा, मिट्टी का काम है बड़ा करना, तो निश्चित रूप से वो बड़ा कर देगा। जस्ट उसी तरीका से हम लोग का माइंड है। हम लोग का माइंड क्या है, एक मिट्टी की तरह ही काम करता है। हम लोग जिस तरह का इसमें थॉट डालेंगे, माइंड उसको बड़ा कर देगा। हम जिस तरीका से सोचेंगे, निश्चित रूप से वही होगा। और इसके बीच होता क्या है कि आदमी दिन भर अपने दिमाग को गलत थॉट के, मतलब जंजीर में बंधे होते हैं। गलत थॉट हमेशा देते रहते हैं, छोटी छोटी सोच देते रहते हैं, कभी बड़ा सोच ही नहीं सकते, जिससे माइंड क्या करता है, उनको बड़ा सोचने भी नहीं देता है, छोटा सोचने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि शुरू से ही वो छोटा सोचते हैं, कभी बड़ा सोच ही नहीं सकते हैं। और आदमी का एक प्रॉब्लम है ना, मनुष्य का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसको बड़ा सोचने में डर लगता है, वो बड़ा सोच ही नहीं सकता है। और माइंड के बारे में एक चीज़ कहा गया है कि द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। ये मेरा स्टेटमेंट है, गौतम बुद्ध जी का स्टेटमेंट है कि दिमाग सब कुछ है, जो आप सोचते हैं वही बन जाते हैं। और आदमी क्या करता है, बड़ा ना सोच करके छोटी छोटी सोच रखता है, और उस छोटी सोच से कभी बाहर निकल ही नहीं पाता है, क्योंकि वो अपने माइंड को यही सजेशन ही देता है, वो कभी बड़ा कर ही नहीं सकता। वो अपने आप को ये सोचता है कि हमसे कुछ हो ही नहीं सकता, हम कुछ बड़ा कर ही नहीं सकते हैं, वो ये सोचता है। रियली रूप से वो कभी बड़ा सोच भी नहीं सकते हैं, न ही बड़ा कर सकते हैं। ये अक्सर स्टूडेंट लाइफ का, मतलब स्टूडेंट लोग को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको बता दें कि जो आगे कुछ उम्रदराज लोग हो जाते हैं, वो लोग तो सोचते हैं कि मेरा अब क्या, मेरा तो हो गया, हम तो निकल पड़े, जो मुझे करना था अपने ज़िंदगी में वो हम कर दिए। क्योंकि अक्सर 35-40 उम्र जिसका क्रॉस कर जाता है ना, वो लोग यही सोचते हैं अब मेरा हो गया। लेकिन रियली उन लोग का हो गया, उन लोग को उतना मतलब ही नहीं रहता है। लेकिन जिसका उम्र अभी लगभग 18 वर्ष 20 वर्ष, या फिर अभी स्टूडेंट लाइफ में है, कोई भी आदमी अगर स्टूडेंट लाइफ में है, उसको इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग जिस माहौल में रहते हैं ना, ये छोटी छोटी माहौल छोटी छोटी सोच में हम लोग पैदा हुए हैं, और इसी में हम लोग को रहना है। लेकिन अगर हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि नहीं, हम लोग जो है ना, दिमाग को बड़ा देना है, बड़ा डिसीजन देना है, इसको एक कैपेसिटी, यानी कि जो इसका लिमिट है, लिमिट से ऊपर तक सोचवाना है, तब जा करके दिमाग हम लोग को लिमिट में रहेगा। लेकिन अक्सर छोटी छोटी सोच रह करके, क्या मतलब है छोटी सोच रखने से, आखिर हम लोग ऐसा क्यों ना सोचे कि हम लोग पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन ऐसा सोच ही नहीं सकते हैं। लोग सोचेंगे ये कहाँ से हो सकता है, मेरे बस का बात है ही नहीं है। जी अगर आप ये सोचिएगा, अपने माइंड को ये सजेशन दीजिएगा कि मेरे बस का बात नहीं है, तो निश्चित रूप से आपके बस का बात नहीं है। क्योंकि दिमाग तो वही है ना, मिट्टी की तरह काम करता है, हम आपको शुरू में ही बताएं। तो मिट्टी, आप दिमाग में क्या बीज बो रहे हैं, हम बड़ा कुछ कर ही नहीं सकते, मेरे बस का बात कुछ है ही नहीं, तो दिमाग उसको बड़ा कर देगा। और निश्चित रूप से आपके बस का बात, आप ट्राई भी कर लीजिए बाद में, अगर शुरू से उसको डिसीजन दिए हैं कि आपके बस का बात नहीं है, बाद में आप ट्राई भी कर लीजिए कुछ बड़ा करने का, आप नहीं कर सकते, मुश्किल होगी, उसको पहले तोड़ना पड़ेगा। इसलिए अगर शुरू से बड़ा सोचिएगा, माइंड को एक सही थॉट, सबसे बड़ी चीज़ है माइंड को एक सही थॉट देना, सही सोचना, और कुछ बड़ा सोचना, निश्चित रूप से अभी आप कुछ भी हैं, लेकिन अपना सोच को ठीक रखिएगा। हम लोग अगर अपना सोच को ठीक रखेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। अगर हम लोग का सोच गड़बड़ है तो सब गड़बड़ है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ माइंड के बारे में, एक क्या है कि माइंड कभी भी पास्ट,
प्रेजेंट फ्यूचर कुछ नहीं देखता, दिन रात कुछ नहीं देखता, आदमी औरत कुछ नहीं देखता, क्या सही है क्या गलत इसको कुछ पता नहीं। इसको सिर्फ एक चीज का पता है कि आप जिस चीज का कमांड करेंगे अपने माइंड के ऊपर, इसको जिस तरीका कमांड देंगे, ये बोलेगा तथास्तु। इसका एक ही काम है, ये बोलेगा तथास्तु। आप बड़ा नहीं कर सकते हैं, आप सोचिएगा मन में, हम बड़ा नहीं कर सकते हैं, हम कुछ उतना बड़ा, वो तो मेरे बस का बात है ही नहीं है। वो बोलेगा तथास्तु, आपके बस का बात है यू नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उस तरीका के कमांड दिए हैं उसको। तो माइंड के पास एक बहुत अद्भुत चीज है ये, कि आप जिस तरह का कमांड उसको दीजिएगा, वो रियली में बोलेगा तथास्तु, यानी यही होगा। ऐसा चीज है माइंड। और मैं आपको बता दूं कि मनुष्य का जो दिमाग होता है ना, मनुष्य का जो माइंड होता है, दिन भर में लगभग 60,000 विचार मनुष्य के दिमाग में आते जाते रहते हैं। दिन भर में 60,000 विचार, कभी इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते। आदमी कभी भी दिमाग के ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। दिन भर में 60,000 विचार आएगा कभी भी आपका। एक चीज समझिए, एक चीज हम समझाना चाहते हैं, क्या हम लोग का जो माइंड होता है ना, वो एक्चुअली माइंड के सब आदमी गुलाम होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए? हम लोग का गुलाम होना चाहिए माइंड को, हम लोग के गुलाम माइंड को होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, सभी लोग मन के गुलाम होते हैं, जो मन कहता है वही करते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। हम जो कहेंगे वो माइंड करना चाहिए। माइंड कहता है आप कुछ भी काम करने चलिए, आप कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ हल्का सा थोड़ा सा केवल बड़ा सोचने के लिए प्रयास कीजिए। माइंड कहेगा ना ना ना, ये नहीं हो सकता है, बिल्कुल ये बस का बात है ये नहीं है। आप भी सोच लीजिएगा कि ना ये हो ही नहीं सकता है हमसे। अक्सर हम आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहते हैं, क्या चीज़, आप चाहते हैं कि नहीं सुबह में उठ करके हम पढ़ें, 3 बजे 4 बजे उठ करके हम किताब पढ़ें या फिर कुछ भी पढ़ें। तो होता क्या है उस समय क्या होता है कि आपका माइंड कहेगा कि ना अभी नहीं उठना है, अभी नहीं पढ़ना है। यानी कि और रियली में आप क्या कीजिए कि नहीं पढ़िए, क्योंकि आप तो गुलाम ना हैं अपने माइंड के, अपने दिमाग के गुलाम है। लेकिन उस वक्त अगर ये कहिएगा नहीं उठना ही है, पढ़ना ही है, एकदम मतलब अपने आप को ठान लीजिए कि नहीं उठना ही है, पढ़ना ही है, पढ़ेंगे, तो आपके सामने आपका दिमाग घुटना टेक देगा। और यहाँ पे दिमाग को आप गुलाम बना लीजिए, बल्कि दिमाग आपका गुलाम नहीं रहेगा, सोचिए। तो ये होता है दिमाग के पास। और दिमाग में कभी भी माइंड में गलत सोच, नेगेटिव थॉट मत दीजिए। कभी भी आदमी सोचता है गलत, उस जगह पे थोड़ा सा मतलब ना, कभी भी उसको जाने मत दीजिए अंदर, क्योंकि जैसा आप भेज दीजिएगा ना, वो रियली में वैसा ही कर देगा। कभी भी छोटा मत सोचिए, हमेशा बड़ा सोचिए, क्योंकि जिस चीज़ का अगर आपको आम का बीज बोएंगे तो निश्चित रूप से आम ही निकलेगा, उसमें से कभी भी बरगद नहीं निकल सकता है। इसलिए अगर आप गलत सोचेंगे, अगर आप छोटा सोचेंगे तो निश्चित रूप से आप छोटे में उलझ करके मर जाइएगा, उसी में कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप बड़ा सोचेंगे तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन ऐसा होगा कि आप बड़ा कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपनी सोच को बड़ा कीजिए, कभी छोटा मत सोचिए। अपने माइंड को कभी गलत सलाह मत दीजिए, माइंड में तो हमेशा पॉजिटिव थिंग आने दीजिए। दिन भर में निगेटिव पॉजिटिव आते रहता है। 60,000 विचार में से अधिकतर विचार निगेटिव आते हैं और अधिकतर पॉजिटिव आते हैं। तो पॉजिटिव को रखिए और निगेटिव को कट करके उसको निकाल दीजिए तुरंत, उसको प्रवेश करने ही नहीं दीजिए। प्रवेश हो भी जाता है उसको तुरंत निकाल दीजिए, उसको रखना ही नहीं है। उसको अगर रख लिए वो अपना घर बना लेगा, उसमें रहने लगेगा। फिर आपको कभी भी फिर बाद में ट्राई भी कीजिएगा ना बड़ा सोचने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, नहीं होगा। क्योंकि शुरू से बीज, अब बताइए हमको एक चीज़ आप, कि अगर आप आम का बीज बो दिए ठीक है, मान लीजिए मिट्टी में आम का बीज बो दिए हैं, अब उससे आप आशा क्या कर रहे हैं कि बरगद का पेड़ निकले? होगा ऐसा कभी? कभी हो ही नहीं सकता। तो उसी तरीके से हम लोग का क्या होता है, अगर आप छोटी सोच लेकर के बैठे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कुछ बड़ा करने के लिए, शुरू से अगर आप छोटी सोच में हैं और अचानक कभी कुछ ऐसा चीज देखें, ऐसा चीज सुने जिससे आपको लगे हम भी कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो क्या है, तो उस समय क्या होगा कि आप बड़ा नहीं सोच सकते, क्योंकि शुरू से क्या है, आप छोटी सोच करके रखे हैं। जैसे मैं कहानी सुनाता हूँ आपको, क्या था कि एक आदमी था और वो आदमी गया सर्कस घूमने। जैसे भी अभी दशहरा का समय चल रहा है, तो एक आदमी गया मेला घूमने, सर्कस घूमने। वहाँ पे जब घूमा तो क्या देखा कि एक हाथी था और उसको एक पतली सी रस्सी में बांध करके रखा गया है। सोचिए, वो पतली सी रस्सी में उसको बांध करके रखा गया है। वो आदमी बेचारा देख करके उसको तंग रह गया, अरे ऐसा कैसे हो सकता है।
ये तो पतली रस्सी में है, ये हाथी चाहेगा तो इसको तोड़ देगा, लेकिन ये तोड़ नहीं रहा, ये बंधे के बंधे है। जब बाद में वो गया पता करने, पता चला उसको जो वहाँ पे रखा था उससे पूछा कि अच्छा एक बात बताइए, ये हाथी तो चाहता ना तो एक बार में इसको तोड़ कर फेंक सकता था, लेकिन ये तोड़ क्यों नहीं रहा है? तो उसने जवाब दिया कि जब ये हाथी छोटा था ना, छोटा था तो इसको कहा था कि हम इसी रस्सी में बांध करके रखे थे, पतला ही रस्सी में बांध करके रखे थे, वही तोड़ने का प्रयास किया था लेकिन नहीं टूटा। तो मन में अपने का बिठा लिया ना, मन में ये का सोच लिया कि रस्सी हमारा से टूटबे ना करे। सोची कि कैसा अपना मन में बीज डाला कि अब हमको सिर्फ टूटबे नहीं किया, लेकिन दोबारा ट्राई तक नहीं किया वो आदमी, बाद में तोड़ तक नहीं सकता था, कभी कोशिश ही नहीं किया क्योंकि पहले से सोच लिया था वो कि अभी रस्सी मेरे से नहीं टूट सकता है, हम बन चुके हैं, जबकि वो रस्सी तोड़ सकता था लेकिन नहीं तोड़ा। क्यों? क्योंकि शुरू से ही वो सोच लिया कि अब मेरे से रस्सी टूटबे नहीं करे, उसका ताकते नहीं है, वो ऐसा सोच लिया, जबकि रस्सी चाहे ना तो पूरा कबाड़ कर फेंक करके वो चल सकता था हाथी, लेकिन ऐसा नहीं किया। इसलिए शुरू से सही सोच डालिए, सोच को शुरू से डालिए उसमें, अच्छा चीज हमेशा अच्छा सोचिए, ऊंचा सोचिए, बड़ा सोचिए, दिमाग को अपने गुलाम बना करके रखिए, ना कि आप दिमाग के गुलाम बन जाए। सो थैंक यू।